उसी स्वभाव से बात करेंगे और हमेशा उनके सोचनी मुद्रा इनके स्वभाव में ये होता है कि यहाँ अकेले भी बैठे हैं या सबके साथ में सोचनी मुद्रा में बने, जैसे कुछ कुछ गुम गया हो या कोई रंज हो गया हो, ऐसी मुद्रा इनकी हमेशा बनी रहती है। यानी अंदर गुस्सा है कुछ ऐसा तो होते नहीं है, प्रेम भी रहते हैं तब भी उनको प्रकट नहीं करते, वो एकदम मन ही मन में सब कुछ कर लेते हैं, मतलब किसी प्रकार का उनको दिखावटी काम नहीं रहता है और अंदर सोचनी मुद्रा में बने रहते हैं। कार्य करने की शैली अच्छी, कलात्मक कार्य करते हैं, कार्य करने की शैली अच्छी होती है, जिस काम को हाथ में लेते हैं बराबर उसको निर्वाह पूरा तन्मयता के साथ करते हैं और व्यवहार कुशल भी होते हैं और गुस्सा इनके अंदर भरी रहती है और दिखती भी है गुस्सा भरी, यानी मुख मुद्रा में हमेशा ऐसा मालूम पड़ जाए गुस्सा में, या प्रेम भी करेगा तभी गुस्सा जैसी मुख मुद्रा इसकी बनी रहती है। इनका अप्रैल मास में क्या भविष्य होगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों का, वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। कन्या राशि के व्यक्तियों का सबसे अच्छा अप्रैल मास जाने वाला है, ये पूरी 12 राशियों में सबसे अच्छी राशि कन्या राशि अप्रैल के मास में बनने वाली है। इस राशि वालों के व्यक्ति को सबसे पहले तो यह है कि इसका भाग्य उन्नति होगी, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाएगा, जिनकी विद्या अध्ययन में पिछले समय से अगर रुकावट कर चल रही है तो अच्छे नंबरों से पास होंगे, विद्या अध्ययन में अच्छी सफलता मिलेगी, नंबर आवश्यकता से अधिक नंबर इनको मिलेंगे और स्टूडेंट के लिए साथ साथ में वृद्धजनों के लिए जो कष्ट हो रहे हैं उनके कष्टों का भी निवारण होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का सबसे अच्छा समय यह है और सबसे ज़्यादा अच्छा इनके मकान भवन भूमि वाहन से रुके हुए जो कार्य है वो पूरे हो जाएंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अप्रैल मास में। जो पिछले समय से रुकावटें चल रही हैं वो रुकावटें दूर होंगी और साथ साथ में इनके लिए कन्या राशि वालों के लिए एक चीज़ अवश्य है, इनका जो बहुत अच्छा परिमार्जित भाग्य बनने वाला है, परिमार्जित भाग्य होने के साथ साथ में इनका गुप्त रूप से कोई कष्ट जरूर हो सकता है, गुप्तांग में कोई कष्ट हो जाए, चोट चपेट लग जाए, इससे सावधान रहना चाहिए। लाभ के योग बहुत प्रबल है, धन लाभ के वस्तु लाभ के योग प्रबल योग बन रहे हैं, भूमि संबंधी लाभ भी हो सकता है, जो भूमि आपको पसंद नहीं आ रही थी खरीदने वाले थे तो भूमि संबंधी कार्य होंगे, खनिज पदार्थ से संबंधित कोई उद्योग कर रहा है धंधा कर रहा है उसमें सफलता मिलेगी हैं। साथ साथ में उनका एक चीज़ से सावधान रहना है, लाटरी सट्टा और ये सरकारी जुआ होता है वो भी ना खेलें, उसमें इनको हानि उठाना पड़ सकती है, तो शेयर मार्केट जो सरकारी जुआ है उसमें हानि उठा सकते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा प्रबलता से ना लें, ये हानि भी हो सकती है। साथ साथ में इनके पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़े या स्वभाव बिगड़े कुछ न कुछ पत्नी से दाम्पत्य जीवन में कलह की वातावरण बन सकता है। लाभ मार्ग लोहा मशीन से संबंधित लाभ हो सकता है और साथ साथ में धन लाभ के लिए धन के लिए थोड़ा कुटुंबी जनों से विवाद हो सकता है, धन से संबंधित ये हानि का इतना हानि भी हो सकती है, ये कन्या राशि वालों के लिए ये स्वभाव है। इनका सबसे जो दिन बता रहा हूँ कि 13 और 14 तारीख है, 13-14 तारीख अप्रैल की, इसमें खास करके सुख में बाधा हो सकती है और माता को कष्ट हो सकता है, मित्रों से भेद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, भूमि संबंधी कार्य महीने में तो हो जाएंगे लेकिन इस दिन जो मैंने बताया 13-14 तारीख को कुछ
वो तारीख में रुकावटें होती, सौदा किया हुआ बिगड़ सकता है, लेकिन आगे दो चार दिन बाद ठीक हो सकता है, स्थायी रूप से बिगड़ने वाला नहीं है, क्यों महीना आपका पूरा प्रशस्त और परिमार्जित है। दूसरी तारीख है इनको है 23 और 24, 23 और 24 अप्रैल इनके लिए सबसे ज़्यादा कष्टप्रद रहेंगे, इसमें इनको चोट चपेट लग सकती है, और इस प्रकार से चोट चपेट लगने के साथ साथ में मन में उदासीनता आ जाए, किसी प्रकार का विवाद हो जाए, किसी से मन मुटाव हो जाए, ये सब हो सकता है। और दूसरा है 5 और 6 तारीख है, इन 5 और 6 तारीखों में इनको कोई जैसो कष्ट हो सकता है, इस बीच में हानि हो सकती है, किसी प्रकार की वस्तु गुम जाए या हानि हो जाए, वो अपना पैसा कहीं रुक जाए, ये दो दिन इनके लिए खराब रहेंगे। इस प्रकार से इनका 5 और 6, 13 और 14 और 23 और 24 इन तारीखों में ये पूरे महीने में ये खराब समय हैं। इन तारीखों में सावधान इसलिए रहना है कि नुकसान नहीं होना है, लेकिन इन तारीखों में कोई किसी प्रकार के विवादों से बचना चाहिए, खान पान से बचना चाहिए, उधर विकार से खास करके सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से ये कन्या राशि वालों को अप्रैल का मास जो रहेगा उसका मैंने आपके सामने वर्णन किया। मैं आशा करता हूँ कि अब सरप्राइज करेंगे, इसको लाइक करेंगे, जिसमें आगे की भविष्य की राशियों को मैं सुंदर सुंदर आपके लिए बताता रहूंगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, ये पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।